इतना क्योटिक सिचुएशन नहीं देखा था। अरे प्रिया, हाँ यूनियन एंड अजब सास की गजब कहानी, सो बोथ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। हाँ, सो दोज शो एंड एक और रियलिटी शो जिसके बारे में मैंने सुना था एंड आई थिंक दैट्स वेरी एनकरेजिंग एंड दैट इज वन ऑफ द शो, बिकॉज वो ही शो मुझे यहाँ तक खींच के लाया। दिस शो इज नॉट अबाउट अ सेलिब्रिटी, दैट्स नॉट समथिंग अबाउट कि आप डे टू डे की सोशल लाइफ में क्या मैसेज दे रहे हो। दिस शो इज ऑल अबाउट अ हीरो, अ रियल लाइफ हीरो, जो दुनिया के लिए या लोगों की मदद करने के चक्कर में अपना कुछ नुकसान कर लेते हैं और वो जिंदगी भर उसी एक सोच में खुश रहते कि मेरी इस तकलीफ की वजह से किसी और की जिंदगी बची या बहुत कुछ उनका अच्छा हुआ, लाइफ भर उनकी वो लोग याद रखेंगे। सो दीज काइंड ऑफ शोज हार्डली यू गेट टू सी एंड आई एम रियली श्योर दैट के मूवू चैनल के जो व्यूवर्स है उन्हें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत स्टडी एंड स्टेबल व्यूवरशिप होगी शायद तक। आई वुड लव टू डू रियलिटी शोज एंड आई थिंक वन ऑफ अ वेरी, मुझे टीवी के रियलिटी शोज बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज इट गिव्स यू ओनली वन अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड मैंने अब तक के सारे रियलिटी शोज कर दिए हैं। तो यस, समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड वेरी डिफरेंट इज कमिंग अप, आई वुड डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ इट। मेरी स्कूल की यादें बहुत ख़राब थी, मुझे नहीं याद करना है। सो व्हेन आई सॉ दिस तो मैं अपने आप में ही सोच रही थी कि मैं बहुत गंदी दिखती थी स्कूल में और मुझे लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम वॉज नॉट देयर। जैसे जैसे बड़ी हुई फिर मुझे ऐसे लगा कि दुनिया दूसरे तरफ से भी देखनी चाहिए एंड देन आई रियलाइज दैट कि ओके यू हैव टू ट्राई एंड एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स बट कॉन्फिडेंस कम from your best friends and I think that is more important in life. So yes, it does matter. Actually, friendship day bhi aane wala hai aur school ki bhi baat ho rahi hai. School mein matlab friendship day kitna enjoy karte the aap, agar is bare mein kuch bataye kitne nostalgic hoti hai jab friendship day aata hai. It's very important day and for me mere friends bahut important hai mere liye. They are not an actor or जो बहुत ज़्यादा glamour world से belong करते हैं, they are very normal people. वो लोग की दुनिया मुझसे बहुत अलग है तो मैं उन्हें special feel कराने के लिए जाती हूँ, but every time each moment I live with them and this is very important for me because not only for the day, we hardly get time to spend with each other and I'm sure that के हर कोई इस मोमेंट को जीता है क्योंकि आपकी डे टू डे की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, बट व्हेन यू इन योर कंफर्ट जोन विथ योर फ्रेंड्स विथ योर लव्ड वंस यू डेफिनेटली लव दैट लाइफ। इस साल किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली हैं? फ्रेंडशिप डे देखते हैं, मैं सेलिब्रेट करूंगी देन इट विल बी ऑन माय सोशल मीडिया बट आई हार्डली पुट सम। अभी इनका बर्थडे आ रहा है, उसकी बात 25 सितंबर का टाइम है, 25 तारीख अभी इन्होंने बोल दिया है कि 25 सितंबर मुकेश भाई का बर्थडे होता है तो शाहरुख भाई सब लोग होते हैं बर्थडे पे, तो बोले मनीष तो हमेशा होस्ट करता है इनका, बोले मनीष और तुम होस्ट करना है मनीष और मैं, हाँ मनीष मैं उनकी बात कर तो इट वॉज अ वंडरफुल इवनिंग। मनीष जी से मेरी मुलाकात हुई जो मूवू टीवी के फाउंडर डायरेक्टर हैं, एक आध बार फ़ोन पे मेरी बात हुई उनसे, तो एक होता है ना चैनल वालों से तो हम बहुत इंटरेक्ट करते हैं लेकिन चैनल वाले का कुछ अलग ही सिस्टम होता है, मैंने हमेशा नोटिस किया है। तो लेकिन मनीष जी के साथ वो जस्ट सो फ्रेंडली, और दूसरी बात मैं इनके ऑफिस गया, मैं इनके सब स्टाफ से मिला, इनके एक्टर से मिला, ये जो स्टेज पर आज बता रहे थे लोगों को कि ये मेरा परिवार है ये मेरे लोग हैं, और वो वाकई वैसा है, ये उनमें से नहीं है कि आप एक फैमिली बना के और फिर यू नो बाद में लोग जब पलटता है तो फिर कुछ और ही हो जाते हैं, बट ही हैज़ एक्चुअली मेड अ फैमिली। सो हम सब की बेस्ट विशेज़ हैं फॉर मूवू टीवी। बड़े सारे चैनल कलर्स भी ऐसे ही नया नया आया था हम लोगों ने देखा, एंड टीवी जब आया था तो मैंने फर्स्ट शो किया था, शाहरुख सर का एक शो था और मेरा किलर कैरियोके आता था उस पर, तो उसकी भी शुरुआत हुई लेकिन आज एंड टीवी हो गया। तो मैं यही विशेज देना चाहूँगा कि मूवू टीवी भी ऐसे ही जो शुरुआत हुआ है कल से ये लॉन्च हो रहा है, इसके दो नए शोज़ आ रहे हैं, एक रिटर्न ऑफ स्कूल डेज आप देखेंगे जो हम मेरे को भी बहुत पसंद आया पर्सनली, मैंने सर को बोला इट्स अ वंडरफुल शो एंड इट्स अ वंडरफुल टीम ऑफ ऑल द एक्टर्स हु हैव डन वंडरफुल जॉब, सब नए लोग हैं लेकिन आप देखेंगे कि बहुत मेच्योर परफॉर्मेंसेज भी हैं, कोमल ने और हम अमित ने और सभी लोगों ने, ऑल द होल टीम
और वो एक रियल लाइफ स्टोरी पे, जैसे कि सर ने बताया, तो बोलते हैं ना जब रियल लाइफ किस्सा होता है तो ज़्यादा दिल को छू जाता है। और टेलीविज़न ऐसा मीडियम है हमारा, इंडियन टेलीविज़न, आज भी आप इंग्लिश टाइप का शो लाओ तो यहाँ वर्क नहीं करता, यहाँ पर वही सब चीज़ें चलेंगी जो बहुत इंडियनाइज है। जैसे हमारा शो भी हम करते हैं, लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से लेकर आओ जो स्टैंड अप करता है, या कहते हैं यूट्यूब वाले आपने देखा चैनल पे बहुत आए और बहुत चले गए, तो बहुत कुछ ही लोग टिके हुए हैं जो बहुत इंडियनाइज चीज़ दे सकते हैं। तो रिटर्न ऑफ स्कूल डेज मुझे ऐसा लगता है कि वैसा ही एक बहुत इंडियनाइज शो है जो पीपल विल लव टू वॉच। जी स्कूल डे में तो मैं बहुत मस्करी वाला काम है, तो BST बस में मेरे को जू से, मैं सेंट लॉरेंस स्कूल में था सेंटा क्रूज में, तो हमारे वो एरोप्लेन वाला पार्क था बगल में, नहीं है उस लीडर वाला, तो हम तो पार्क वार्क में होते थे ज़्यादा टाइम के, स्कूल वूल में नहीं। फिर बाहर एक लड़की को बहुत क्रश था मेरा, तो मैं सुनैना नाम था, हाँ मुझे याद है, साउथ इंडियन लड़की थी, तो मैं उसका वेट करता था, वो आती थी तो मैं उसको देखता ही रहता था बस, फिर कभी बात नहीं की है मैंने कभी भी नहीं, फिर ऐसा हो गया फिर बाद में अलग फंस गया मैं। फ्रेंडशिप डे मुझे कल ही फ़ोन आया, बोले क्या वो पेपर के लिए, तो फ्रेंडशिप डे पे मैंने भारती का नाम दिया मैंने। भारती वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, अभी तो खतरों के खिलाड़ी में, शायद मैं भी जाऊँ अभी, रोहित सर ने बुलाया है, हाँ तो शायद मैं भी चला जाऊँगा अभी, तो मैं तो खुला बोल रहा हूँ यार सब, क्या ठीक है ना, हाँ तो भारती मैं वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स कहूँगा। भारती को मैं कॉमेडी सर्कल जब हमने शुरू किया तब से जानता हूँ, एंड शी इज़ ऑलवेज स्टूड बाई मी। मेरे लाइफ में भी जैसे सर बोल रहे थे, उतार चढ़ाव में जो लोग होते हैं वही आपके दोस्त होते हैं, तो मेरे फादर एक्सपायर हुए अभी 2-2.5 साल पहले, आप लोग जानते हैं, तो भारती तब भी मेरे साथ खड़ी रही, मुझे स्टेज पे भी संभालती है, कॉमेडी नाइट्स कपिल का शो हमने टेक ओवर किया, हम इतने घबराए हुए थे कैसे होगा, वहाँ भी भारती ने संभाला, कॉमेडी नाइट बचाओ भी संभाला, बड़े सारे शोज जो हैं स्टेज पे भारती ने मुझे संभाला। आई थिंक शी इज़ अ ट्रू फ्रेंड टू मी। अरे तो बहुत अच्छी बात है, चैनल तो लॉन्च होने चाहिए, जितने चैनल लॉन्च होंगे उतने शोज आएंगे, मनीष जी जैसे लोग, नरशी वसानी सर जैसे लोग जो चैनल लॉन्च करें, गुड फॉर एक्टर्स, गुड फॉर ऑल द पीपल, टेक्नीशियंस, बिकॉज एवरीबडी इज़ गोना वर्क। एक्टर्स को एक टाइम था जब एक्टर के पास इतना काम नहीं था, आज हर एक्टर के पास बहुत काम है, क्योंकि चैनल्स बहुत आ गए हैं, बहुत सारे शोज़ बन रहे हैं एंड लोग देख रहे हैं वो शोज़, तभी इतने सारे चैनल लॉन्च हो रहे हैं, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग दे ऑल आर डूइंग फॉर द कंट्री एंड फॉर पीपल। हॉटस्टार है राइट, इट्स अ बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टफ थिंग, बिकॉज टुडे अभी सब डिजिटलाइज हो रहा है, लोग अभी टीवी पे ज़रा कम जा रहे हैं, जब से टाटा स्काई आया था फिर भी रुका के लोग रखते थे कि रात को बैठ के देखेंगे, बट फिर भी मैं मेजरली नहीं कहूँगा जो के सब लोग डिजिटल पे ही जा रहे हैं, यूथ जो है वो ज़्यादा डिजिटल से जुड़ा हुआ है, जाकि फैमिलीज़ हैं आई थिंक वो अभी भी घर पर बैठ के लेडीज़ जो है ना वो भी टेलीविज़न देखना ही पसंद करती हैं रादर देन गोइंग डिजिटल। आप देखोगे अगर कोई माँ बच्चा होगा वही रात को मदर को यू नो टीनेजर होगा या कॉलेज स्टूडेंट होगा वो डिजिटली दिखाएगा मदर को कि ये वाला शो आपने मिस किया या ये वाला एपिसोड आपने मिस किया, बट द मदर वुड एक्चुअली वॉच टेलीविज़न। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टेलीविज़न ख़त्म हो जाएगा, टेलीविज़न कभी मर नहीं सकता, डिजिटल बढ़ सकता है, हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ जाए, बट टेलीविज़न वुड नेवर एंड। हाँ कपिल ठीक है, हाँ कौन सा कपिल का नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं कपिल और मैं अब दोनों, मैं अभी कपिल को मैं हक करना चाहूँगा डेफिनेटली, और हम एक 1.5 महीने में, हाँ आप पक्का देखेंगे, और मैं उसको मिला भी था जाके, एंड आई वॉन्ट दैट ही शुड गेट वेल एंड ही शुड कम बैक, बिकॉज मैंने हमेशा उसके लिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि टाइगर जो सो रहा है, तो जब टाइगर उठेगा ना तो फिर सब चूहे हुए भाग जाएंगे, इधर जंगल से भाग जाते हैं, तो वो ही शुड कम बैक, एंड आप सब लोग उसके लिए विश करिए कि
बहुत होते हैं यार इधर, हम भी निकलते हैं। डेफिनेटली सर, अरे पूरा कंट्री चाहता है कि हम लोग सब साथ में आ जाएं, कि एक ही शो बन जाए, वो राइवल शो हो ही ना, तो कम से कम ये चारों को डाइजेस्ट तो कर पाएंगे लोग साथ में एक साथ, है ना। एक होता है ना, आप कुछ शो में एक को दो को डाइजेस्ट करते हैं, बाकी दो को नहीं कर पाते। सब साथ में आएंगे, इट विल बी वंडरफुल। मतलब आप अभी एक अलग से जैसे दबंग बनी, राउड़ी राठौड़ बनी, तो ये कभी खुशी कभी गम बन जाएगी। जो टेलीविजन के इतने सारे लोग जिन्होंने एक्चुअली इतना, हम लोगों ने 10-12 साल हो गए जो इतने सारे शोज हमने वर्क कराए हैं टेलीविजन पे, तो अगर सब साथ में आ गए तो इट वुड बी वंडरफुल। बिल्कुल मैं उसके साथ करूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो आए और एकदम जमा के करे, और मैं भी उसके साथ करूँगा। नहीं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन प्लानिंग हो जाए, हो सकती है प्लानिंग। हाँ हाँ, वो भी हमारी बीच में बात चली थी, एंड मॉल के साथ हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी हम जल्दी, हमारा शो महीने डेढ़ महीने में आ जाएगा, क्या पता मूवी टीवी पे हम कर लें। एक्चुअली मनीष सर से भी मेरी बात हुई है एक्चुअली में, कि हम एक कॉमेडी शो जो है वो लेकर आए, मनीष जी इंटरेस्टेड थे साथ में करने के लिए। नहीं सच्ची में, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वेरी 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 ग्रेट थैंक्स टू कृष्णा, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने इनको बुलाया था, और मेरी जब फर्स्ट टाइम इनसे फ़ोन से बात हुई थी तो ये बहुत बिजी थे इनसे, अनफॉर्चुनेटली एक ही बार बात हुई, उसके बाद फिर बात नहीं हो पाई थी। पर फिर जब मैं इनसे मिला और धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई ना, तो ये लगा कि नहीं, ये शो अगर इसकी होस्टिंग कोई कर सकता तो कुछ नहीं है, और कोई नहीं कर सकता, और सुगंधा वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन एज अ को एंकर फॉर अस। तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छे इंसान हैं, समझदार हैं, समझने वाले हैं, और सबसे बड़ा है कि दिल के बहुत अच्छे हैं। तो इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। और रही बात साथ में शो करने की, कॉमेडी शो लाने की, और जो आप लोग के अभी जितने सारे क्वेश्चन हो रहे थे उसके जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा।